मोटरसाइकिल किसी भी चीज से टक्कर होने के बाद और आगे से चेसिस टेढ़ा हो जाता है या फिर शॉकर बैंड हो जाता है, शॉकर टेढ़ा हो जाता है, तो उसको रिपेयर कैसे करना होता है? और हो सकता है कि आपका बाइक का इंश्योरेंस ना हो, और इंश्योरेंस से अगर है भी तो वो मतलब क्लेम करने में दिक्कत हो रही हो, तो आप इसको रिपेयर भी करा सकते हैं, मेरे पास सुविधा है। तो चलिए आज हम आपको दिखाने वाले हैं, ये हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल है और इस बाइक की टक्कर हुई है किसी भी तरीके से, जैसे भी टक्कर हुई हो, तो आगे से जो चेसिस है इसका बैंड हो गया, टेढ़ा हो गया, और इसके साथ ही शॉकर भी टेढ़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मडगार्ड इसमें नहीं है, दूर है थोड़ा देखा, इसमें मडगार्ड नहीं है, मडगार्ड भी टूट गया है, और साथ में इसका वाइजर भी टूटा, इंडिकेटर टूटा है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो शॉकर देख रहे हैं ये टेढ़ा हो गया है, देख सकते हैं बिल्कुल आप साफ देख रहे हैं कि ये शॉकर बैंड है, लेफ्ट राइट दोनों शॉकर बैंड हो गया है। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइज ये है इसका चेसिस, शॉकर अगर टेढ़ा होता थोड़ा बहुत या फिर ज़्यादा भी तो हम इसको ईजिली सीधा करा लेते हैं लेथ वाले के पास जाके, कहाँ क्योंकि वहाँ पर एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के द्वारा इसको सीधा कर लेते हैं। क्या चेसिस सीधा हो जाती है? जी बिल्कुल सीधा होती है, चेसिस अगर बैंड हो गया तो इसको भी आप सीधा करा सकते हैं, इसका भी लेथ वाला होता है, इसका भी, इसको भी गैस के द्वारा, इसको भी मतलब एक पंप के द्वारा सीधा किया जाता है। लेकिन अगर आपके एरिया में वो सुविधा हो, वो सिस्टम हो, वो मशीन, तभी आप चेसिस को सीधा करा सकते हैं। और अगर आपके एरिया में वो मशीन नहीं है, पंप की सुविधा नहीं है, चेसिस सीधा करने वाला कोई भी मशीन नहीं है, इंजीनियरिंग वाला सुविधा नहीं है, तो आप इसको सीधा कैसे कराएंगे? इसको सीधा कराएंगे गैस वेल्डिंग के द्वारा। तो मैं इसको गैस वेल्डिंग के द्वारा इसको सीधा करवाऊंगा, जिसमें कि आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि इसको सीधा कैसे करना है, और चेसिस अगर सीधा करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो अभी देखिए इसका चक्का नहीं घूम रहा है, इसका चक्का बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है, इसका शॉकर टेढ़ा है, इसके साथ ही हैंडल टी टेढ़ा हो गया है। ये हैंडल टी जो देख रहे हैं आप, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हैंडल का टी यहाँ से टेढ़ा होता है, ये चीजें बीच में तो टेढ़ा नहीं होता है, अगर टेढ़ा होगा भी, जैसे कि ये शॉकर देख रहे थे यहाँ से टेढ़ा हुआ, उसी तरीके से हैंडल का जो टी होता है जिसमें रेसर लगता है उसका भी यहीं से टेढ़ा होता है। तो ये पूरा शॉकर खोलेंगे और टी खोलेंगे, इसके साथ टी प्लेट खोलेंगे, ये खोल कर पहले तो इसको हम सीधा कराते हैं लेथ पर ले जाके, उसके बाद फिर हम उसको फिटिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि ये कितना टेढ़ा हुआ है ना, फिर देखेंगे इसका चेसिस कितना टेढ़ा हुआ है, कितना कैसे ये सही हो पाएगा। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत ही कमाल का होगा, वीडियो बहुत ही पसंद वाली वीडियो होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब चेसिस टेढ़ा होता है तो चेसिस पूरा ही बदल देते हैं, जबकि हम उसको रिपेयर करा सकते हैं, सही करा सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के बीच लेकर आता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, मैंने आई का जो शॉकर होता है, शॉकर का जो टी होता है, प्लेट, हर चीज़ खोल के मैं ले गया था लेथ वाले के पास, तो ये सीधा हो गया है और आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये देखिए कंप्लीट सीधा हो गया है। अब बाकी रह गया इसका चेसिस, ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका चेसिस टेढ़ा है, पहले तो ये पहिया भी नहीं घूम रहा था, छोड़ो 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 तुम, ये देखिए अगर पीछे से अगर आई की ओर देखेंगे तो ये आई के पोजीशन कहाँ चला जाता है ना, आई का चेसिस टेढ़ा है, यहाँ से ये बैंड हुआ है, ये देखिए ये अंदर से कैसे मुचरा गया है भाई, चलो इसे हम ले आते हैं गैस वेल्डिंग वाले के पास और उन्हीं से ये काम करवाएंगे। दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से जग लगा के रखा है, इस तरीके से इसको टाइट कर दिया, और फिर गर्म करने के बाद ये फिर टाइट करते रहेंगे और ऑटोमेटिक ऊपर की ओर जाती रहेगी। वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा जो कि मैं आप लोगों को ये करके दिखाऊंगा, और ये हमारे शारीरिक भाई जो कि हनवारा में है। तो देखिए अब ये आगे वाला पोजिशन बहुत सीधा हो चुका है, थोड़ा यहाँ पे कट मारना पड़ा, दोनों का जो डंटा है ऊपर से कट करना पड़ा और नीचे से भी, अब यहाँ से भी हल्का फुल्का गया हुआ है, तो इसको भी उस साइड से चोट मारना पड़ेगा, इधर लेफ्ट साइड में, यानी कि इस पार्ट को हल्का सा इधर धक्का देना पड़ेगा, फिर ये ठीक हो जाएगी। बाकी दोस्तों ये कंप्लीट कंपनी जैसा तो नहीं हो पाएगा, जैसे कि शोरूम से निकलता है, जैसे चेसिस बनता है,
उस लेवल पे तो ये नहीं आ पाएगी, फिर भी इतना है कि बाइक को आराम से चला सकते हैं। तो भाई जुगाड़ नहीं रहने के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है चेसिस को सीधा करने में। वैसे तो देखिए जग ये तो ठीक ठाक है, ये सही जगह पर है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी ये खंती लगाया एक सरिया, तो इसके बराबर होना चाहिए था, तो इसके बराबर का नहीं है, इतना मोटाई का चौड़ाई नहीं है, जो कि मुझे इसे बारीकूला लगाना पड़ा, यही लगाना पड़ा। तो जहाँ पे जो जुगाड़ अगर होता है, जो हर दिन सब दिन अगर ये काम करते हैं, तो उसके पास हर चीज़ का व्यवस्था होता है और वो बड़े आसानी से काम कर देते हैं। मैं आज शायद ये हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आगे वाला चेसिस को सीधा करा दिया। समय तो बहुत लगा क्योंकि उसके पास उतना जुगाड़ नहीं था, और कोई भी चीज़ टेढ़ा होने पर उसे सीधा करने के लिए हर तरह का जुगाड़ चाहिए। तो इसे हम फिट करते हैं और फिर हम चला कर देखेंगे कि ये काम हुआ या नहीं, कोई दिक्कत रह गई क्या। ये तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बाइक जो एक्सीडेंट हुई थी, इसका जो चेसिस टेढ़ा हुआ था, वो कंप्लीट मैंने इसको सही कर दिया, और मैं आपको दिखाना जा रहा हूं कि वाकई में ये पूरी तरीके से ये सीधा हुआ या नहीं हुआ, या फिर कुछ कंप्लेंट थोड़ी बहुत रह गई है, और मैं आपको चलाकर भी दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि आप लोगों को बताया था कि इसका चेसिस यहाँ से टेढ़ा हो गया था, बैंड हो गया था, तो ये मैंने सही करा दिया गैस वेल्डिंग के द्वारा। थोड़ी बहुत कुछ पार्ट काटना पड़ा, काटा इसलिए कि जैसे कि कोई चदरा पे चक गया तो उसको सीधा करने के लिए काटना पड़ा। ठीक है, और गर्म करके इसको जो आगे पीछे था, ऊपर नीचे या साइड इधर उधर जो था, वो सभी चीज़ को हर तरीके से कंप्लीट सही कर दिया। इसका वाइजर टूटा था, वाइजर इंडिकेटर टूटा था, इसका मटका टूटा था, ये मैंने लगा दिया। तो जैसे ये गाड़ी इस एक्सीडेंट हुई थी, तो ये देखिए ये ऐसे था, ये जो चक्का देख रहे हैं, ये चक्का इसमें सटा हुआ था, इस जगह पर ये जो टायर है ये दब गया था, जो कि चक्का घुमा भी नहीं पा रहे थे। और अभी देखिए इससे कितना दूर हो गया, बिल्कुल इससे अलग हो गया है, देखिए है ना। और इसका रिम भी टेढ़ा हो गया था गाइज, जो कि रिम भी मैंने इसको सीधा किया, अलॉय व्हील भी सीधा कराया मैंने लेथ वाले के पास। इसका हैंडल का जो टी होता है ये टेढ़ा था, इसका शॉकर पाइप टेढ़ा था, ये मैंने सीधा करा दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि हर तरीके से ये कम्प्लीट हो गई है। अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये पोजिशन अगर आप टायर से मिलाएंगे और पीछे तक, बिल्कुल सीधा हो गया है। ये देखिए इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा बाइक बिल्कुल कंप्लीट सीधा हो गया, देखिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है अभी, है ना, पूरा कंप्लीट ये सही हो गया है। तो चलिए इसको हम चला कर देखते हैं, और ये सही करने में कितना कॉस्ट पड़ा वो भी आप लोगों को बताएंगे। पड़ रहे तो फाइनली दोस्तों ये बाइक ठीक हो चुकी है, चलिए इसको हम चलाकर देखते हैं। देखिए मैं हम जो चला रहे हैं इस बाइक को, बिल्कुल हम सीधा चला पा रहे हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत, कोई इश्यू हमें नज़र नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हमें नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल हम जिस तरीके से बाइक पहले चलाया करते थे सेम उसी तरीके से हम चला रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग चेसिस को सीधा करा सकते हैं। कोई जो जानकार आदमी है, जो अच्छे से गैस वेल्डिंग का काम करते हैं, पूरा पहले से बॉडी वर्कर है वो,
किसी भी थ्री व्हीलर का या फिर फोर व्हीलर का, तो उनके पास जाए वही सीधा करके देंगे। और साथ में आपको भी दिमाग लगाना होगा कि चेसिस का जो लीवर है कहाँ कहाँ जाएगा, वो आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने भी सब चीज़ बताया उसको, उसको इधर से करो उधर से करो, तभी ये सक्सेस हो पाया। वैसे अगर आप गैस वेल्डिंग वाले के भरोसे पर ही रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन रख लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बाइक रिपेयरिंग से जुड़ी वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।